पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। विपक्षी दलों को कम से कम बीजेपी से सीखना चाहिए। सोचिए, जो भी पार्टी सोचती है कि मैं अकेले चुनाव लड़के जीत जाऊंगा, वो गफलत में है। बीजेपी जैसी पार्टी नए नए गठबंधन के पार्टनर तलाश रही है। यूपी में, बिहार में उसके नए नए पार्टनर है, जिसको 4 सीट 2 सीट 3 सीट देकर गठबंधन कर रही है। अब उसने चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में नवीन पटनायक, कर्नाटक हारने के बाद देवगौड़ा। तो कौन ऐसी पार्टी है जो दम भर रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? अगर वो आरजेडी है, सपा है या बसपा है, तो समझिए वो अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार रही है और अपने समर्थकों को भी वो अंधेरे में धकेल रही है। या तो बीजेपी के खिलाफ रहो या बीजेपी के साथ रहो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसी कड़ी में इस अखबार की खबर को देखिए, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती कम से कम यूपी में इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, या यूपी के अलावा भी इंडिया गठबंधन में पूरे देश में कांग्रेस को फायदा होगा? और अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आती हैं तो एक झटके में 2024 का पूरा खेल बदल जाएगा, खेल पलट जाएगा। क्या इस अखबार के खबर की सच्चाई, ये भी बताऊंगा। और सोचिए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की भी मानहानि कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 6 मार्च तक मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जितने चंदे हैं उसका डिटेल चाहिए, किस कंपनी ने किसको कितना चंदा दिया। अब जानकारी लीपापोती की जारी रवीश कुमार ने ट्वीट किया है। और क्या चुनाव आचार संहिता तब तक लागू नहीं होगी जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है? ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी को मिलता है 6,000 करोड़ का चंदा, सबसे ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। और सामाजिक रूप से सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। सवर्ण समाज होने का मतलब टीवी, अखबार, पैसा, बिजनेस और यहाँ तक कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इस देश के पूरे पावर सेंटर्स पे, ताकत पर इस देश के सवर्ण समाज का कंट्रोल है, कब्जा है। 90% वही लोग हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या टीवी हो, अखबार हो, बिजनेस हो, सिनेमा हो, स्पोर्ट्स हो। तभी तो सावरकर, 370, कश्मीर जैसी बीजेपी के पक्ष में हवाल बहाने वाली फिल्में तक आ रही है। पूरा इकोसिस्टम उसके पास है। उसके बाद भी सोचिए, बीजेपी रोज गठबंधन कर रही है। कहा जा रहा है कि अब उड़ीसा में भी नवीन पटनायक के साथ गठबंधन होगा। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ वो गठबंधन में है। कर्नाटक हारने के बाद तुरंत उसने जेडीएस, देवगौड़ा की पार्टी से गठबंधन कर लिया। लेकिन सोचिए बहुजन दलों का, कुछ बहुजन दल जो बीजेपी के साथ हैं, उनसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए, अपना अपने परिवार का तो भला हो रहा है, समाज का नहीं सही? लेकिन जो लोग न तो उस तरफ है न इस तरफ है, वो किसका भला कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। या तो सत्ता में रहिए या सत्ता के खिलाफ रहिए। एकला चलो वाली नीति से तो कुछ हासिल होते हुए नहीं दिख रहा है, ये सच्चाई है और ये सटीक है। इसी बीच एक अखबार की एक खबर देखिए, अभी भी इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की वापसी हो सकती है। सोचिए, तेलंगाना में उन्होंने गठबंधन किया है, लेकिन यूपी में अगर ऐसा होता है तो चमत्कार होगा। और अगर सपा बसपा दोनों अलग रहते हैं, नहीं आते हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों दोषी हैं और उस समाज की स्थिति और दयनीय होती जा रही है। चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे किसान हो। आप सोचिए, अगर इस गठबंधन के खिलाफ अखिलेश यादव हैं तो वो भी दोषी हैं, या बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं तो उनको भी कंसीडर करना चाहिए। ज्यादातर लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि ये गठबंधन हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वहीं बिहार से खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान आ सकते हैं। दरअसल वो 6 सीट पिछली बार जीता था, 8 सीट चाहते हैं। इंडिया गठबंधन उनको 10 सीट दे सकता है। ये बड़े फायदे का सौदा होगा अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं। लेकिन सोचिए, मुझे कई बार ताज्जुब होता है, इस देश में दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, इस देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति जो है वो अंग्रेजों ने बनाई। पहले कर्म प्रधान देश था, कर्म के हिसाब से जातियां थी, मतलब ब्राह्मण, मतलब कोई भी किसी परिवार में जन्म ले, अगर वो पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, शास्त्र बांच रहा है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन सवाल है कि शंबुक की हत्या क्यों हुई, सवाल है कि सूर्यपुत्र कर्ण क्यों कहा गया, सवाल है कि अगर ये सब कुछ अब का देन है तो विदुर से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, उनको क्या कहा गया है, सवाल है ये तमाम सवाल है अगर ऐसा है तो। और दूसरी बात, अगर ये सब अंग्रेजों ने बनाई, अगर अंग्रेजों ने ये काम किया, मुगलों ने ये काम किया जो घटिया काम था जाति बनाना, तो आज़ादी के बाद तो बाबा साहब ने इसको खत्म कर दिया।
लेकिन सोचिए जहां सवर्ण समाज आज एक मुस्त आइडियोलॉजी के नाम पर, सोचिए तीन तीन राजपूत नेता जेल में हैं, धनंजय सिंह को जेल हो गई, संजय सिंह जेल में है, सिसोदिया जेल में है, उसके बाद भी सवर्ण समाज का एक एक वोट बीजेपी को पड़ रहा है। सवर्ण समाज एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर रहा है क्योंकि उसको नेता नहीं आइडियोलॉजी चाहिए। बीजेपी उसके लिए काम कर रही है और क्यों नहीं करेगी जब उसको वोट मिल रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग को देखिए, जिनको जाति में बांटा गया, जिनको जाति व्यवस्था का शिकार हुए, वो लोग आज अपनी जाति के नेता को पकड़े हुए हैं। कब तक जाति के नेता को पकड़ोगे? जब तक जमात नहीं बनोगे, बहुजन नहीं बनोगे और जिताऊ लोगों को नहीं जिताओगे, तब तक ऐसे ही हाशिए पर रहोगे। हो सकता है मैं जल्दी मारा जाऊं, तुम बाद में मारा जाओ, मारे जाओ, या हो सकता है कि मैं सम्मानजनक जिंदगी जीकर मारा जाऊं और तुम रोज जलील हो। इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी किसानों को लाचार, बेबस, मजदूर, मजबूर बने रहना है। आप बोलेंगे तो जेल होगी, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए समाज जिम्मेदार है। बहुजन समाज के लोग का नया शऊर है, वो अपनी जाति के नेताओं को वोट करते हैं, वो पार्टी को नहीं वोट करते हैं, आइडियोलॉजी को नहीं वोट करते हैं। मैं तो बहुजन समाज से, SC ST OBC किसानों से अपील करूंगा कि आइडियोलॉजी को वोट कीजिए। जो आपकी आइडियोलॉजी, जो आपकी विचारधारा, जो सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय, जो संविधान की बात करे, जो इक्वालिटी की बात करे, फैटर्निटी की बात करे, जो आरक्षण की बात करे, उनको वोट करना चाहिए। तो बहुजन समाज के जो जनता है वो अपने जातियों में बट गया है, और इसलिए बाबा साहब ने SC ST OBC का दर्जा दिया था। मान्यवर साहब ने कहा हम बहुजन है, बुद्ध ने कहा था बहुजन है। तो जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक अपने जाति के नाम पर वोट देते रहेंगे, तब तक उनका भला नहीं होगा। उनको अपने सामाजिक न्याय, आइडियोलॉजी के नाम पर वोट देना पड़ेगा, जैसे सवर्ण समाज के लोग बीजेपी को आइडियोलॉजी के नाम पर वोट देते हैं। तो यूपी में अभी भी BSP और सपा के बीच हो सकता है बात बन जाए, इसकी संभावना तलाशी जा रही है, अखबार की खबर है। इससे इंडिया गठबंधन को देश भर में फायदा होगा। वहीं बीजेपी आंध्रा और उड़ीसा में नया पार्टनर ढूंढ रही है। वहीं SBI पर आरोप लग रहा है कि वो तमाम डिटेल्स नहीं दे रही है कोर्ट में भी, और कुछ मिटाए भी जा रहे हैं। वहीं सोचिए बीजेपी गठबंधन भी कर रही है, अपना कुनबा भी बढ़ा रही है, उसके पास पावर भी है, पैसा भी है, मीडिया भी है, जुडिशियरी भी है, उससे अकेले तो नहीं जीता जा सकता। वहीं केजरीवाल के समर्थक कह रहे हैं कि तब तक चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान नहीं करेगा जब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। ये बड़ी खबर है। तो क्या बहुजन दलों के नेता अकेले जो चुनाव लड़ने का दम भरते हैं वो जीत पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वो अपनी बचाने के लिए समाज को दांव पर लगा रहे? और सवाल है कि यूपी में सपा बसपा क्यों नहीं गठबंधन में आ रही है? और नहीं आ रही है तो सोचिए, आज स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर कांग्रेस में दम है तो बिना SP और बिना BSP गठबंधन के मुझे हरा दे। जब सवाल है कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के दल एक साथ आ जाएं तो वो सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, अगर ये लोग नहीं आ रहे तो इनका नैतिक स्वार्थ है। और सोचिए क्या बहुजन समाज को सवर्ण समाज से नहीं सीखना चाहिए? क्या जाति के नाम पर जाति की पार्टियों को वोट देने से समाज का भला होगा? नाव में छेद है, सब डूबेंगे। और सोचिए कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आती है, कोई ऐसी नौकरी नहीं आती है जिसमें SC ST OBC के सीटों में हकवारी ना हो। अभी UP में वैकेंसी आई है, जहां 900 सीट चाहिए वहां OBC को 600 सीट, जहां 236 सीट चाहिए वहां 54 सीट। तो हर जगह SC ST OBC के सीटों की हकमारी हो रही है। आप इसलिए लाचार, बेबस और मारे जा रहे हैं क्योंकि आप जातियों में बटे हैं। पहले भी, आज़ादी के पहले भी आपका जाति के नाम पर शोषण हुआ, और आज़ादी के बाद भी आप जब तक जाति के नाम पर वोट देते रहेंगे, जब तक आप सोशल जस्टिस के नाम पर वोट नहीं देंगे, और उससे भी बड़ी बात, जब तक आप सोशल जस्टिस के आग की भट्टी से तपे हुए बहुजन समाज का नेता नहीं चुनेंगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। आपको मान्यवर साहब, मायावती, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, रामस्वरूप वर्मा जैसे भट्टी में तपे हुए नेता चुनना पड़ेगा। सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा जैसे, जगदेव बाबू जैसे, जो सरकों से सोशल जस्टिस का संघर्ष करके आया है। जब तक आप फलाना बाबू के लड़का या फलाना SP DM कलेक्टर रिटायरमेंट के बाद लोगों को चुनते रहेंगे, तब तक मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए सरकों पर संघर्ष कर रहे नेताओं को चुनिए। बहुजन समाज को उसी ने बदला है जिसने सड़कों पर संघर्ष किया हो। सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर।
ये सबसे बड़ी अपडेट है और सबसे बड़ी जानकारी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।